देखो बेटा ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, यानी क्या दे रखा है आपको, एमजी दे रखा है। स्लोली स्लाइड अप, स्लोली का मतलब है कि एक्सलेशन नहीं है, एक्सलेशन जीरो है। ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन, स्मूथ इसका मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं है, यानी म्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। इंक्लाइन है 37 डिग्री पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वैल्यू आपको मालूम है। निकालना क्या है बेटा, आपको वर्क डन निकालना है बाय द पर्सन, कितना डिस्टेंस ब्लॉक मूव एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। यहां देखने वाली बात यह कि जो ड्राइविंग फोर्स है बेटा वो दो प्रकार के हैं, एक बार पैरेलल टू द इंक्लाइंड है और दूसरी बात हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो पहले हम पैरेलल टू द इंक्लाइंड लेंगे, तो सबसे पहले बेटा एक इंक्लाइंड बना लिया जाए, कितने डिग्री का है, 37 डिग्री का है, एम आई राइट। थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे क्योंकि हमको फोर्स दिखाना पड़ेगा, ये हमारा ब्लॉक था, यहाँ से आप 2 मीटर ऊपर ले गए, एम आई राइट बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा धरती माता मानेगी नहीं, सीधा है तो सीधा खींचती है, इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड खींचेंगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधा आएगा। एम जी कितना दिया गया है, 100 न्यूटन का। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस लगाएगी, नॉर्मल टू रिएक्शन, मसला स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको खींच लीजिए। सोती सर ने कहा कोई भी चीज़ अगर वेक्टर पे है तो उसके कंपोनेंट होंगे, इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, कितना है 37 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट हो जाएगा cos 37 और mg sin 37। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जो है एक फोर्स लगा रहे हैं, पहला वाला देखिए पैरेलल टू द इंक्लाइंड, ये आपका इंक्लाइंड है बेटा, ये आपका इंक्लाइंड चल रहा है, इसके पैरेलल यानी ये फोर्स आप लगा रहे नहीं लगा रहे, बिल्कुल लगा रहे, क्योंकि स्मूथ है फ्रिक्शन नहीं है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, केवल आपको जो है mg mg sin 37 डिग्री इतना आप लगा दीजिएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन आपको चाहिए नहीं, स्लोली जा रहे हैं, इतना फोर्स लगा देंगे स्मूथ सरफेस से चलने लगे, कितना है 100 न्यूटन, यानी कि mg 100 न्यूटन। 37 की वैल्यू आप जानते हैं, 3/5 डिवाइड कर दिया जाए 20, यानी फोर्स आपका हो गया 60 न्यूटन का। और इसी ही डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है, 2 मीटर दिया, तो आपको जो एस है वो 2 मीटर का है। तो वर्क डन इस केस में निकालना बहुत आसान था, एफ डॉट एस, क्योंकि देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है 0 डिग्री का है, डॉट है तो कॉस लेते हैं, इतना आपको मालूम है, कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के। एफ आपके पास निकाल लिया था 60 न्यूटन, डिस्टेंस आपको मालूम था 2, ये हो गया 120। सेकेंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कब, जब आप हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में लगाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिगर को फिर से बनाते हैं, और इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका 37 डिग्री का है, ये आपने कहा सर मेरे पास एक ब्लॉक था जिसको जो है हमको धक्का मार के 2 मीटर की दूरी पे ले जाना था, राइट, थोड़ा सा यहां लिख ले तो बेहतर लगेगा। ये अब की बार फोर्स आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन इसमें लगाना था, ये एक्स एक्सिस है ना, यही तो हॉरिजेंटल होती है और ये वर्टिकल होती है, होती नहीं होती है ना, आप समझते हैं। क्या लगे साहब, अब की बार हमको ये लगाना था, मसला स्मूथ का था, तो ये क्या होगा, यू देखो बेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर मान ली स्मूथ है, ये आपका वो है, तो जब आप इधर लगा रहे तो यू रगड़ खाता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, एम आई राइट, देखो देखो दिख रहा है, ये आपका मास है, इसको भले ही हम यू लगा रहे हैं, यू जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये आपकी कितनी अटेंड कर लेगा, एच हाइट कर लेगा बेटा, रगड़ खाता हुआ ऊपर जाएगा,
और ये आपका डिस्टेंस एस है। तो यहाँ यही समझना था, ये फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। कब जब इसको आप प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये यूं रगड़ता हुआ ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसके बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन उत्तर तो जीरो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप रगड़ खा के भले ही ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आप यहां से यहां पहुंचे हैं, तो काम तो हुआ ही है, फ्रेम तो पहुंचे नहीं आप। किसके अगेंस्ट काम किया? उस समय क्या होगा, धरती माता तो मानेगी नहीं, एमजी यहां तक रह गई, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में ये वाला तो वर्क डन जीरो हो गया इस फोर्स के द्वारा, लेकिन जो आप यहां से यहां तक पहुंचे हैं, पसीना निकला है आपके मजदूर का, मजदूरी पसीना बहने से पहले मिल जानी चाहिए, वो इस वजह से मिली। जो एमजी था कितना था, अच्छा खासा था, 100 न्यूटन का। इसके द्वारा आप जो हैं यहाँ पहुंचे हैं, इस एच पे आपने अचीव की है इस फोर्स के अगेंस्ट। इसका तो आपका नल एंड वाइड हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, लेकिन आप यहां से यहां पहुंचे हैं तो किस फोर्स के अगेंस्ट पहुंचे हैं, इसके फोर्स के, तो काम बन गया। तो आपने कहा जो वर्क डन मिलेगा वो हमको इस फोर्स की वजह से मिलेगा, यानी कि एफ डॉट एच, ये वाला एफ और ये वाला एच कितना है, 180 डिग्री वाला है, कॉस 180, हाँ अगेंस्ट गया है, माइनस एफ एच। ठीक, ये क्या बता रहा है, कह रहा है भाई साहब कोई फोर्स है उसके अगेंस्ट जो है हमने वर्क डन किया है, इस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाए हैं तब हमको काम मिला है। ये बराबर आपका एम जी था, ये एच था, एच आपको मालूम नहीं, एम जी आपको मालूम है, देख लीजिए कितना है एम जी आपका, 100 न्यूटन का, देखो देखो ऊपर वेट क्या है आपको, 100 न्यूटन। तो आपने कहा ये तो हमारा 100 न्यूटन हो गया। कह लगे एच, कह लगे एच हम निकाल लेंगे, देखो बेटा ये करेस्पॉन्डेंट एंगल है, तो कितना हो जाएगा, 37। तो आप कहेंगे एच अपॉन एस बराबर, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन 37 डिग्री। इसलिए एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस साइन 37 डिग्री, 37, ये 2 है, ये 3/5, यानी एच आपका हो गया 6/5। तो आपने लिखा 6/5, काट दिया, 6 × 12, अगेन देखिए 120, 6 × 12, 120 जूल। तो सर जानना चाह रहे थे कि भैया इस फोर्स के जब लगेगा तब कितना वर्क डन होगा, तो बेसिकली वर्क डन तो होगा लेकिन वो इस फोर्स के अगेंस्ट होगा, ये वाले का जो आप लगा रहे हैं इसे सरक कर रहा है, तो इसमें 90 डिग्री है, इसकी बदौलत नहीं होगा, लेकिन ऊपर गया है तो ऐसे भी सूरत हाल में घिजा तो इसी वजह से, तो ऐसे भी सूरत हाल में जो वर्क डन होगा वो इसके और इसके द्वारा होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं 120 जूल इस केस में भी मिल रहा है और 120 जूल आपको इस केस में भी मिल रहा है। मेरी आंखें हो गई हैं कमजोर और ये हो गया ये वाला, क्लियर।